एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू आज की वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ। ये महिलाएं एंड पुरुषों दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखेंगे और समझेंगे कि क्या मैं इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ इस वीडियोज़ में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वही मेडिसिन है जिसके बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। महिलाएं एंड पुरुष दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टिंचर के फॉर्म में है, एसिड फॉस्फोरिकम या फॉस्फोरिक एसिड। ओके, बिफोर डिस्कसिंग द वीडियोस, डिस्कस करने से पहले ये बता दूँ, होम्योपैथी में जो होता है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट का इलाज होता है। पेशेंट अलग अलग होते हैं, हर इंडिविजुअल का अलग अलग लक्षण होते हैं। अगर ये मेडिसिन के लक्षण आपसे मैच कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो का जो थीम है, मीन्स आपके बॉडी का वाइटल फ्लूइड लॉस हुआ है, चाहे वो सेक्सुअल एक्सेस के वजह से या फिर कोई एक्यूट में डिजीज हुआ है, यानी कि या फिर आपको मेंटल अफेक्शन हुआ है। डैट मीन्स कि आप अपने आप को जो है सेक्सुअल एक्सेस के वजह से आपके शरीर में जो है वाइटल फ्लूइड कम हो गया, जो इम्पोर्टेंट फ्लूइड होना चाहिए हमारे शरीर में उसकी कम जो है कम हो गए हैं। साथ ही साथ आप फिजिकली बहुत वीक हो चुके हैं और उसके साथ साथ आपको अचानक से कोई बीमारी हो गया, लाइक टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया वगैरह या फिर डेंगू, जिसके वजह से आपके वाइटल फ्लूइड लॉस हो गए हैं। अनदर थिंग कि आपके मेंटल अफेक्शन के वजह से अगर इस टाइप के सिम्टम्स मिल रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड में तो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं ये मेडिसिन का थीम क्या है। पहले मैं बता दूं, तो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, आप बहुत स्ट्रांग और रोबस्ट पर्सन रहते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यानी कि या तो महिला हो या तो पुरुष, दोनों एक स्ट्रांग लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन कोई भी रीज़न की वजह से, लाइक आप यंग एज में हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सेक्सुअल अब्यूज़ किए हैं, आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटेलिजेंस है, मास्टरबेट कर रहे हैं, चाहे फीमेल हो या मेल, ठीक है, आइदर मेल हो या फीमेल, जिसके वजह से वाइटल फ्लूइड लॉस हुआ बॉडी का। अनदर थिंग के मेंटल अफेक्शन, आपको दिमागी चोट लगी है या फिर मेंटल ग्रीफ है, आपको कोई चीज़ का दुख आपके दिमाग में बैठ गया है, मींस मेंटल ग्रीफ के वजह से अगर आपके वाइटल फ्लूइड लॉस हो रहे हैं तो ये अनदर फैक्टर है इस मेडिसिन के डिस्कशन में। तीसरी बात है, अगर आप जो है फिजिकली वीक महसूस कर रहे हैं, आपके बॉडी का वाइटल फ्लूइड लॉस हुआ है बीमारी के वजह से, यानी कि एक्यूट कोई डिजीज़ हुआ है जिसके वजह से आपकी बॉडी पे वाइटल फ्लूइड्स की कमी हो रहे हैं, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया या डेंगू, ऑल ऑफ ए सडन आपको बीमारी हुआ है, तो सेक्सुअल एक्सेस के वजह से या फिर मेंटल अफेक्शन के वजह से, आपके दिमागी में बहुत ज़्यादा कोई इंटरफ्रेंस के वजह से, कोई दुख के वजह से आपके वाइटल फ्लूइड्स पे इफेक्ट हो रहे हैं, या फिर आपके जो है फिजिकली जो आप वीक हो गए हैं ड्यू टू सम एक्यूट डिजीज, अचानक से कोई बीमारी हो गया जिसकी वजह से फ्लूइड जो होगा बॉडी का वाइटल फ्लूइड कम हो गया है, इसके वजह से इस मेडिसिन में क्या क्या होता है ये सिम्टम्स हम लोग जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल एंड फीमेल का सिम्टम्स इसमें जो है सेक्सुअल एक्सेस के वजह से बॉडी के वाइटल फ्लूइड जो लॉस हुए हैं उसके वजह से जो सिम्टम होने वाले हैं वो डिस्कस करते हैं हम सभी। सबसे पहले सेक्सुअल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मीन्स वो अपने आप को इतना ओनानिज्म में इन्वॉल्व रखता था, अपने आप को इतना अब्यूज़ कर चुका है, अनकंट्रोल मास्टरबेशन रहता है जिसके वजह से उसके वाइटल फ्लूइड लॉस हो गए हैं, उसको जो होता है हेडेक होने लगता है और वो जैसे ही सन धूप में धूप की तरफ जाता है उसको हेडेक होने लगता है। इसका दिमागी हालत पर उसका ये होता है कि वो चीज़ों को इतना अब्यूज़ कर रखा है अपने आप को, जिसके वजह से उसके आँख के पास जो है काले नीले धब्बे पड़ जाते हैं, उसको हेडेक होता है, ठीक है, वो अपने आप को अकेला रखना चाहता है और उसी के साथ साथ उसको अपने आप को मास्टरबेशन करते करते उसके सेक्सुअल पावर पे जो है इंपैक्ट हो गया है, उसको सेक्सुअल के कंप्लेन आने लगे हैं, डैट मीन्स को उसको शीघ्र पतन की कंप्लेन हो रहे हैं या फिर उसको नाइटफॉल की कंप्लेन हो रहे हैं, तो ये सेक्सुअल में इंपॉर्टेंस हो जाता है उसका, तो ये उसका सेक्सुअल एक्सेस के वजह से उसको सेक्सुअली काफ़ी वीकनेस हो गया है, अपने सेक्सुअल लाइफ को वो बहुत वीक बना चुका है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम था। अब बात कर लेते हैं मेंटल अफेक्शन, अगर पर्सन जो है दिमागी हालत से उसके साथ बहुत बुरा हो रखा है, कोई उसको धोखा दिया है, अपने ही चाहने वाले उसको धोखा दे दिए हैं, अपने जो मोस्ट लव वांड है उसको धोखा दे दिए, या फिर उसको कोई दुख है किसी बात की, तो अपने आप को वो पूरी तरीके से जो है अकेला रख लेता है और जो भी उसको चाहने वाले थे जिससे वो बहुत प्यार करता था उसको भी वो उसकी बात नहीं सुनता, उसको नफरत करने लगता है, अपने जो लव वन है उनसे भी वो बात करना नहीं चाहता, उसके अंदर इंडिफरेंस आ जाता है, अकेले कमरा में रहना
चाहता है, उसी के साथ साथ वो म्यूज़िक सुनते रहता है, और जब वो सोता है ना तो उसको आराम मिलता है, और जैसे वो बाहर निकलता है या मोशन में रहता है तो उसको और भी एग्रावेशन हो जाता है, या फिर उसकी बीमारी बढ़ जाती है जब वो सेक्सुअल एक्सेस में फिर सेक्सुअल इंटेलिजेंस हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ उसको और भी दुख, मेंटली प्रेशर मिलता है तो उसको और भी उसके दुख बढ़ जाते हैं, उसकी भूख बिल्कुल नहीं लगती है और वो अकेले लेटे रहना चाहता है, वो सोता है तो बिल्कुल उसको आराम लगता है, और जब वो सोया रहता है तो उसको पूछा जाए कोई बात का रिप्लाई करता है, लेकिन करेक्टली रिप्लाई करेगा लेकिन फिर वो सो जाएगा और इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो ये मेंटली अफेक्शन में वो अपने चाहने वालों से भी वो दूरी बना के रख लेता है। तो ये कारण एक हुआ जो उसके वाइटल फ्लूइड लॉस हुए, और जो वाइटल फ्लूइड लॉस होने की वजह से मेंटल अफेक्शन होने लगा और सेक्सुअल वीकनेस होने लगा। तीसरी बात डिस्कस करते हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि पर्सन को अगर अचानक से बीमारी हो गया, वो एक्यूट जो डिजीज़ हो गया उसको, जिसके वजह से उसके बॉडी के वाइटल फ्लूइड लॉस हो गए, तो वीक हो जाता है वो, जो है अपने फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक महसूस करता है। मीन्स ही ऑलवेज वांट टू स्लीप, वो सोया ही रहना ठीक पसंद करता है, किसी से बात करना नहीं चाहता। तो इसमें ये थीम था कि पर्सन अगर तीन चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है, पहला तो जो होता है वो सेक्सुअल एक्सेस के वजह से, अनकंट्रोल्ड मास्टरबेशन के वजह से, यंग एज में, चाहे 14 टू 15 ईयर्स का एडोलसेंस एज है या फिर 30-35 एज का जो एडवांस एज है, अगर उन लोगों में ऐसे सिम्टम मिलता है, अपने आप को अब्यूज़ करते करते इतना वीकनेस हो गया है, उसके सेक्सुअल लाइफ भी बहुत वीकनेस हो गए, फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक महसूस करता है, उसी के साथ साथ मेंटली काफ़ी वीक महसूस करता है, तो ये जो है इम्पोर्टेंस है इस फॉस्फोरिक एसिड का सिम्टम्स और लक्षण। तो इस तरीके से इस मेडिसिन का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सेक्सुअल वीकनेस, और दूसरी जो बात है मेंटल अफेक्शन के वजह से, तीसरी बात जो है एक्यूट डिजीज़ के वजह से उसके वाइटल जो फ्लूइड्स होते हैं वो लॉस हो गए, जिसके वजह से उसको मेंटली बहुत वीकनेस लगता है, चीज़ों को भूल जाता है, सेक्सुअली इम्पोर्टेंस हो जाता है, मीन्स उसमें सेक्सुअल की जो है इम्पोर्टेंसी हो जाते हैं, शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है, उसी के साथ फिजिकली काफ़ी वीक हो जाता है, उसको एकदम से वीकनेस महसूस होती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसी के साथ साथ पर्सन को जो है आँख के पास काले नीले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। और उसका ये मेडिसिन जो है शुगर के पेशेंट के सिम्टम्स, अगर शुगर है जिस पेशेंट को इनिशियल स्टेज में, तो भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है, अगर शुगर के पेशेंट के साथ ऐसे सिम्टम हो रहे हैं, इनिशियल स्टेज है, तो भी बहुत ही परफेक्ट है ये मेडिसिन, उसको बार बार यूरिन लगते हैं रात में, और वो बार बार पानी पीता है फिर भी उसको बार बार पेशाब लगती है, उसी के साथ साथ उसमें कुछ वाइटिश टाइप के पेशाब में फैन टाइप के आपको दिखेंगे, तो ये एक शुगर के लिए भी बहुत ही, शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना फॉस्फोरिक एसिड जो है बहुत ही इफेक्टिव है किस चीज में, पहले तो सेक्सुअल एक्सेस के वजह से अपने बॉडी के वाइटल फ्लूइड लॉस कर चुके हैं, दूसरी जो है मेंटल अफेक्शन के वजह से उसने अपने आप को बहुत ही मेंटली मेमोरी वीक हो गए हैं, फिजिकली वीक महसूस कर रहा है, और तीसरी चीज जो है इसमें बॉडी के वाइटल फ्लूइड लॉस हुए हैं कब, जब उसको एक्यूट डिजीज होते थे या फिर वो अपने आप को अब्यूज कर रखा है। तो ये सारे सिम्टम फॉस्फोरिक एसिड का, इसको लेना कैसे है, सुबह शाम 5-5 बूंद जो है थोड़े से गुनगुने पानी मिला के लेना है, ये मदर टिंचर के फॉर्म में मैं अपने पेशेंट को देती हूँ, और उसके बाल भी पकते हैं, उसी के साथ उसके हेयर फॉल भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसको भूख कम लगती है, अगर ऐसा लक्षण है तो ये मेडिसिन बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कोई और टॉपिक पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।